बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 8 माइग्रेशन टू अब्सिनिया, और साइंस डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 37, और पेज नंबर 37 के ऊपर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आंसर दिस क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर ए पे आ जाइए। व्हाई डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल द मुस्लिम टू माइग्रेट टू अब्सिनिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्यों कहा कि अब्सिनिया की तरफ रवाना हो जाए? व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ दैट दिस ऑपरेशन वर बिकमिंग अनबेरेबल फॉर द मुस्लिम, ही टोल्ड देम टू माइग्रेट टू अब्सिनिया और हबशा। अब्सिनिया को क्या कहते हैं? हबशा भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाइए। व्हाट डिड द कुरैश डू व्हेन द मुस्लिम माइग्रेटेड टू अब्सिनिया? कुरैश के लोगों ने क्या किया जब मुसलमान अब्सिनिया की तरफ रवाना हो गए? इट वॉज एन इंसल्ट टू द कुफार ऑफ मक्का। दे प्लान टू गेट द मुस्लिम बैक फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ अब्सिनिया एंड सेंट अ डेलीगेशन टू निजाशा with lots of expensive gifts and asked him to send the Muslims back. They were revolted. They have insulted their gods and religion. Please return them to us, they said. उन्होंने कहा था कुफार मक्का के लोगों के लिए इंसल्ट थी उनकी कि मुसलमान वहाँ से छोड़ के चले गए, इनके लिए बेइज्जती थी। तो उन्होंने अब्सिनिया के जो हेड था अब्सिनिया का निजाशा, उसको काफ़ी ज़्यादा तोहफे तहाइफ भेजे, उसके पास एक डेलीगेशन भेजा जिसने लिखा कि मुसलमानों ने हमारे खुदाओं की तोहीन की है और उन्हें वापस भेज दो, ठीक है। ये उन्होंने चाल चली थी। सी पार्ट पर आ जाए। व्हाट डिड निजाशा वॉन्ट टू डू टू नो? निजाशा क्या चाहता था, क्या उसको वॉन्ट टू नो, क्या उसको वो क्या जानना चाहता था? निजाशा वॉन्टेड टू हेयर बोथ साइड ऑफ द स्टोरी बिफोर डिसाइडिंग, सो ही कॉल्ड द मुस्लिम्स टू द कोर्ट एंड आस्क देम वाई दे हैड लेफ्ट देयर होम्स एंड द कंट्री। देन ही आस्क देम अबाउट देयर न्यू रिलीजन, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए। व्हाट डिड जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु टेल निजाशा अबाउट इस्लाम? जाफर ने क्या बताया था निजाशा को इस्लाम के बारे में? अल्लाह हैड मर्सी ऑन अस एंड सेंट हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू अस। ही वाज वन ऑफ अस फ्रॉम आवर ओन पीपल। वी न्यू हिम एज अ पर्सन हु वाज कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड ट्रूथवर्थी। ही वाज नोबल एंड पॉइज। He called us to worship only one Allah and to leave the stone idols, so यानी कि भूतों की पूजा, stone idols भूतों की पूजा करना, ठीक है। He told us to speak the truth, to be kind to our relatives and neighbors and to keep our promises, so we accepted his faith, ठीक है जी। तो ये वाला है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ई पार्ट पर। What surah did he recite and what did Najasha say after listening to him? उसने कौन सी सूरत पढ़ी थी और निजाशा ने उसके ऊपर क्या रिएक्शन पेश किया था? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिसाइटेड सूरह मरियम विच हैड द स्टोरी ऑफ हज़रत मरियम एंड हज़रत ईसा अलैहि सलाम। निजाशा वाज वेरी टच्ड एंड टीयर कम ऑन हिज आईज टू हिज आईज। ही सेड श्योरली दिस मैसेज एंड व्हाट ही बिलीव came on to his eyes. He said, surely this message and what we believe came from the same God. Go and live in peace. I will not send you back. ठीक है ना। और उसने कहा, जब उसने सूरत सुनने के बाद फिर उसने उसको आंखों से आंसू जारी हो गए, उसने कहा कि जाओ आप लोग इधर रह सकते हो अब्सिनिया के अंदर, मैं आप लोगों को इधर रहने से मना नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 38 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए। मुस्लिम्स वर आउटकास्ट बाय देयर ओन फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। दोज हु हैड वंस एक्सेप्टेड इस्लाम स्टूड फ्रम एंड रिमेन्ड लॉयल टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्सिनिया इज ऑल्सो कॉल्ड हबशा। किंग निजाशा वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जस्ट मैन। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह मरियम फॉर निजाशा, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा और आप सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।